आज तारीख है फरवरी 9, 2023। आपके साथ हैं तुसीक, सलमान और उस्मान। आज के दिन हम जा रहे हैं बोर्डवॉक बर्गर पर। साथकतून में एक नए हलाल बर्गर की शॉप ओपन हुई है, तो आज हम उनका बर्गर ट्राई करेंगे, फ्राइज ट्राई करेंगे। हमने तो दिन को अभी समोसे वगैरह खाए हैं, लेकिन चलें एक बाइक को बर्गर लेके देंगे और मैं फ्राइज लूँगा, उस्मान आप करेंगे। देखते हैं जाके भाई क्या चीज़ अच्छी है। भाई ये उस्मान जो है ना, ये कुछ चिकन पीस लेंगे, इनके इरादे एक तार हैं। आपने इनके मुंह से अंदाजा लगाया है, इनके मुस्कुराहट से मुंह पे पानी आ गया, मुंह पे पानी आ गया। इनकी मुस्कुराहट जो है वो उतार ही है कि आज चिकन पीस लेंगे। अरसलान को हमने कॉल मिलाई, अरसलान जो है उससे रब्ता नहीं हो सका। आज ये तीन शिकारी शिकार करने निकले हैं बर्गर्स का, और बर्गर्स ट्राई करने जा रहे हैं हम। बोर्डवॉक नया रेस्टोरेंट खुला है और सुनने में आया कि हलाल है, हम उसकी तस्दीक भी करेंगे और लेट्स सी। नो तुसीक, आई हैव बीन देयर बिफोर, दे हैव हलाल सर्टिफिकेशन एज वेल। दैट्स आई थिंक द फर्स्ट रेस्टोरेंट इन सास्कातून हु इज शोइंग हलाल सर्टिफिकेट फॉर देयर फ्रेंचाइज। आपको क्या लगता है कि हमने गलत रास्ता चूज किया? शॉर्ट है बट टाइम ज्यादा नहीं, टाइम भाई हम कौन सा इधर क्या सो कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिनका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते तो फिर कीमती ना होता, नहीं है इसी बात का, तो अब कीमती है। कहना में एक सेकंड बहुत कीमती है जी, क्योंकि जब आपका एक सेकंड गुजरता है तो एक लम्हा अल्लाह की याद से गाफिल गुजरता है। अच्छा सलमान, मुझे ये बताओ कि आप पहले भी उधर से हो आए हो, आपने ट्राई किया हुआ है? हाँ जी, मैं तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मैं ये पूछूंगा कि आपको शर्म नहीं आई थी, आप अकेले गए थे? जी मुझे ना उस्मान को लेके गए ना मुझे लेके गए थे। मुझे एक यकीन माने महीने की 28 तारीख थी। अच्छा, आपको तन्हा मिली थी उस दिन? तो मुझे उस दिन अभी तन्हा नहीं थी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि पहले एक दफा मैंने सोचा कि इकट्ठे चलते हैं, फिर मैंने कहा चलो आज अकेले चलते हैं, तो फिर किसी जो है ना उनके साथ चले। सही, पहले हमने ट्राई किया और लेकिन आज भी मैंने ही आपको कहेगा आओ चलें। तो हलाल है या नहीं है अब ये आपके जिम्मे है। उस्मान ने लास्ट वीक चले जाना था अपनी जॉब पे और इनकी फ्लाइट हो गई कैंसिल, तो हमने मौके को गनीमत जाना और हमने बोला कि क्यों ना उस्मान के साथ थोड़ा और टाइम गुजारा जाए। और ये बड़ा एक खुशगवार तजुर्बा होगा कि हम नया बर्गर रेस्टोरेंट भी ट्राई करेंगे और उस्मान के साथ भी हमारा वक्त गुजर जाएगा। आज उस्मान ने हमसे मिलना नहीं था, कोई इसका प्लान नहीं था, लेकिन आज जो है वो तुसीक ने इसको एक चांसा दिया है कि टोरंटो से एक दोस्त आए हुए हैं जिनसे मिले आपको 4 साल हो गए हैं, तो आप दुकान पे तशरीफ लेके आए, तो मिलते हैं। तो हमने इनको बताया कि हमने आपके साथ प्रैंक किया है, तो मकसद हमारा ये था कि आज कुछ टाइम जो है वो इकट्ठे गुजारने, आपने फिर चले जाने। मेरा भाई इधर कैमरे भी लगे हुए हैं, ये ना राइड लेना इधर से देख के, नहीं कैमरा है मैंने इधर ये, हाँ रोक लिया नहीं तो मेरे भाई $400 की टिकट है इधर। अगर आप ना रोकते तो आज ये बर्गर आपको $450 में पड़ने थे। गाइस आपके साथ मुलाकात होगी बोर्डवॉक बर्गर पे, हमारे साथ रहिए। तो सिख आप सुनाए आज कुछ वो जो कभी कभी आप वो अपनी दीवानी वाली गजल सुनाते हैं ना, वो सुनाया है। तो आप आज जब मैं स्टोर पे गया तो सीख जो है वो वहाँ पे गाना गा रहा था, I was beautiful when I was 16 एंड देन मैं दरवाजे के पास रुक गया तो उसका जो नेक्स्ट सीख बोला था, I was still beautiful when I was 18 उससे बात वाला जो है वो मेरे ख्याल में लाइव नहीं करना चाहिए, जो आप लोग उधर पसंद करके देख सकते हैं। स्टोरी टेलिंग अगर किसी ने सीखना है या स्टोरी मेकिंग आई शुड से अगर किसी ने सीखना है तो वो सलमान वड़ाइत से सीखे। मैंने तो खैर ये गाने पहली दफा सुना सलमान। चाहिए मैरी ब्राउन है मार्केट मॉल में और उसके साथ ही है बिल्कुल सेम उसी प्लाजे में। अगर आप लोग हलाल चिकन खाना चाहते हैं अदर देन KFC और पापा, आप यहाँ पर भी आ सकते हैं।
हम टिम हॉर्टन्स के पास से गुजरे हैं। गुड न्यूज रिगार्डिंग टिम हॉर्टन के लाहौर में भी इसकी पहली लोकेशन खुल गई है। आज आई थिंक उसकी इनॉग्रेशन भी हो गई थी। लाहौर पाकिस्तान में जो कैनेडियंस जाएंगे तो वो भी टिम हॉर्टन्स को एंजॉय कर सकते हैं। उस्मान इज जस्ट पुलिंग इन। समटाइम ही गेट कंफ्यूज लाइक इवन दो ही हैज 18 इयर्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अभी हम आ गए हैं यहाँ पर बोर्ड वॉक पे। सलमान थैंक यू सो मच फॉर रिकॉर्डिंग द व्लॉग। सलमान को ऑर्डर की समझ कोई नहीं आई, उसने सिर्फ फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए। और ये हमारे बर्गर्स देखकर सलमान का भी दिल कर आया कि वो भी बर्गर ऑर्डर करे। नहीं रहा गया आपसे। हमने ग्रिल्ड चिकन बर्गर ऑर्डर किया कॉम्बो के साथ। कॉम्बो में इनकी एक सॉफ्ट ड्रिंक आती है, फ्राइज आते हैं, लेकिन हम इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं अपने सिग्नेचर फ्राइज के साथ, मतलब ऑल फ्राइज मिलेंगे और साथ में आप सैलेड भी ले सकते हैं। अच्छा, ग्रिल चिकन लाइट है, डीप फ्राइड नहीं है जैसे उस्मान ने बोला। और उस्मान आप डाइट पर है लेकिन आपके बाइट से लग नहीं रहा कि आप डाइट पर हैं। बर्गर देख के डाइट खत्म हो जाती है। सही बात है। तो सलमान ने यहाँ से बर्गर खाए और डिजर्ट के तौर पर इसको घर से फोन आया था और अच्छी खासी डांट भी पड़ी है। तो अभी हम बर्गर खा ले और फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। अभी इंकशाफ हुआ है, मैं और उस्मान समझ रहे थे कि हम बर्गर सलमान के साथ खाने आए हैं और हमें पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सलमान ऑलरेडी पे कर चुके हैं। क्यों सलमान? नहीं, पे आपको करना पड़ेगा। मैं वो आपको जो है वो इंटरेक्ट ट्रांसफर का एक मैसेज भेजूंगा स्प्लिट करके, तो आप सामने उसको जो है ना इवनली पे करना है। प्लेट वाला तरीका हमारा नहीं है पाकिस्तानियों का, ये तो सलमान ही पे करेगा। ये कहता हमने तो कॉम्बो में आए हुए फ्राइज को स्प्लिट नहीं किया तो पे हम कैसे स्प्लिट करेंगे? हैं सलमान, इस शक में नहीं आपसे तो बर्गर ही नहीं समझ रहा। जब मैंने पहले कहा था कि देखे चले वो क्या कहते हैं कि दोस्त खा रहे तो साथ खाना ही चाहिए, तो मैंने फिर उसमें मेरा लगा दोस्तों का बर्गर देख के आपसे रहा नहीं। हाँ, मैं वेट तो कर लेता लेकिन आप लोग बर्गर आके खा ही नहीं थे। नाजरीन, अभी हम सलमान का बर्गर का बाइट कवर करेंगे और हम उसी इंतज़ार में।
बड़ा सोफिस्टिकेटेड से इसने बाइट लिया, अदरवाइज कभी हम बिहाइंड द कैमरा इनके बाइट्स नहीं खाते। बड़ा मजा आया। New items in our menu, and that would be chicken wings and fish burger and fish and chips for the summer season, and would last till May 28th. So starting from again? This month. 13th. So starting from 13th Feb to 28th of May. All right. Thank you, guys. We had a really good experience. Thank you. Yeah. Bye for now.